अबीर और महर की हो गई है शादी। जी हाँ, दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली है और शादी करके वो सीधे अपने घर पहुँचे हैं। लेकिन उन्हें फूलों की माला पहने देखकर, दुल्हा दुल्हन के लिबास में देखकर अबीर के पापा बहुत गुस्सा हो गए। वो सबको डांटने लग गए, कभी अबीर को तो कभी अबीर की माँ को। और तुम माफी, तुम इस शादी में गवाही बनेगी, इतनी हिम्मत नहीं करते तो मैं शादी को नहीं मानता। मैं आखिर ऐसा डांटने जैसा क्या था? कितने सोने लग रहे हैं अबीर और मेहर इस रूप में। देखिए, दोनों भी तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। इसने पहना है, जैसे मैंने एंगेजमेंट के वक्त भी कहा था, अबीर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एंगेजमेंट से ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस पे कलर बहुत खिल के आ रहा है। महराज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज जैसे ही जब मैं इनके रूम से बाहर से निकल रहा था और मुझे एक झलक दिखी, तो मैंने थोड़ी देर तक तो पहले इनको देखा, उसके बाद इनसे कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और वैसे भी मेहर तो खूबसूरत लगती ही है, और अबीर की पसंद है तो खूबसूरत तो होगी। अच्छा, देखना, अगेन सेल्फ सेंटर्ड। नहीं, मेहर बहुत खूबसूरत है, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। और वो बहुत प्रीटी लगती हैं, वो कुछ भी पहनने बहुत अच्छी लगती हैं। और प्लस ये हार जो है, ये इनको चार चांद लगा रहा है, बहुत सारे कलर्स हैं जो खिल के इनके ऊपर आ रहे हैं फूल की तरह। तो एक रोज़ के बीच में बहुत सारे गेंदे के फूलों के बीच में एक रोज़ निकल के आ रहा है। ये दोनों प्यार के पंछी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए अबीर की ताई जी ने इन्हें घर में आने की परमिशन दे दी है। बस, आप कोई कुछ नहीं बोले, शादी एक पवित्र रिश्ता, जिसे मानने या ना मानने का सवाल ही नहीं उठता। बहू घर आइए, उसका स्वागत करिए। और ताई जी ने बोला तो फिर क्या था, अबीर के चेहरे की बांछें खिल गई, उसकी माँ खुश हो गई, और अबीर के पापा सारा गुस्सा भूलकर मेहर का हाथ पकड़कर घर में लेकर आए और बहू की घर में एंट्री हो ही गई। अबीर और मेहर को क्या जरूरत थी भागकर शादी करने की, घर में ही मंडप सजा था, माँ का साथ था, सिर्फ पापा को ही तो मनाना था, फिर ऐसी शादी क्यों? देखिए, कई बार आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि फिर उसके प्यार में आप अपने घर वालों को और अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो महर जिस घर से बिलोंग करती हैं, वो भोपाल का बहुत गरीब घर है, उनकी मम्मी और बुआ काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है। और मुझे दिखाई दिया, मुझे शो में ऐसा पता चला कि वो उतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जितना मिस्टर कुबेर मल्होत्रा खर्चा कर पा रहे हैं, मेरे पिताजी जितना खर्चा कर पा रहे हैं उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना भी इनके पास है वो सब कुछ अगर अपनी शादी के चलते या अपनी ताई जी की डिमांड्स पे अगर सब कुछ लुटा दूंगा, उनके पास क्या बचेगा फिर? तो मुझे ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सारी प्रॉब्लम्स मैं अपने सिर पे ले लूंगा, मैं भाग के शादी कर लेता हूँ। अबीर के पापा ने तो ऑफ द स्क्रीन बहू की एंट्री करवाई है, लेकिन कहानी में तो वो शादी के खिलाफ ही रहेंगे। लेकिन ये शादी फ्लैशबैक की है या फिर एक बार फिर इन्होंने शादी कर ली है, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन जैसा कि सीरियल का ट्रैक है, लगता है कि ये फ्लैशबैक की ही शादी है। मेहर अबीर की तूतू मैं हमेशा की तरह जारी रहेगी। ABP News Report।